Assalamualaikum students, how are you? I hope you will fine at your home. I am for class teacher Miss Sikra Khan from American Islamic School System. आज हम अपना मैथ्स का काम स्टार्ट करते हैं. सो लेट ओपन योर बुक्स नाउ. आज का हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 5 मेयरमेंट्स, पेज नंबर 104 पर. मेयरमेंट्स यानी मापना या मिकदार मालूम करना. फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई, किसी चीज़ का वज़न या उसकी मकदार के बारे में जानना. आज हम इस यूनिट में ये पढ़ेंगे. सबसे पहले अपनी डेफिनेशन पर जाते हैं. हमारी फर्स्ट डेफिनेशन यूनिट ऑफ मेयर्स, पेज नंबर 106 पर. वी यूज़ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेयरमेंट्स फॉर लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी. यानी हमारे पास मापने के मुख्तलिफ आलात होते हैं किसी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई या उसकी कैपेसिटी जानने के बारे में. जो मेयरमेंट के हमारे पास आलात होते हैं वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं. जैसे अगर हमने किसी छोटी चीज़ को के बारे में, उसकी मकदार के बारे में जानना है, तो हम छोटे यूनिट यूज़ करते हैं. और अगर किसी बड़ी चीज़ के पैमाइश के बारे में जानना है तो उसके लिए हम बड़ी चीज़ या कोई बड़ा आला इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहले इसके ऊपर देखते हैं हम लेंथ. लेंथ में क्या चीज़ होती है? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्लिप पेपर है हमारे पास, के एम मीनिंग्स किलोमीटर, एम का मतलब मीटर, सी एम का मतलब सेंटीमीटर, एम एम का मतलब मिलीमीटर. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास एक पेपर क्लिप बोर्ड है या पेपर क्लिप है, तो उसकी लेंथ कितनी है उसके बारे में जानेंगे. और या एक इरेज़र है, जैसे हम अगर इन दोनों को मेयर करें तो पेपर क्लिप की जो लेंथ है वो हमारे पास इरेज़र की लेंथ से बड़ी होगी, यानी जो इरेज़र की लेंथ होगी वो छोटी होगी. इसी तरह जैसे हम इसको जो है, इन दोनों चीज़ों को हम सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में इसकी जो है मेजरमेंट कर सकते हैं. इसी तरह एक डाइनिंग टेबल है हमारे पास और कपड़े का एक पीस है या कारपेट है, तो उसको हम मीटर्स में मेजर करेंगे, क्योंकि उसकी जो है हम जो लंबाई और चौड़ाई है वो मीटर्स में मेजर करेंगे. इसी तरह अगर हमारे पास एक बड़ी हमारे पास एक बड़ा फासला, यानी कि हम जैसे ट्रैवल करते हैं, जैसे हम सफ़र करते हैं, तो सफ़र की जो पैमाइश है हम किसी कार में या किसी ट्रेन में करते हैं, तो जो सफ़र की पैमाइश होगी वो हम किलोमीटर्स में करेंगे कि कितने किलोमीटर हमने फासला तय कर लिया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक मैथ की बुक लिया है, तो उसकी जो हम पैमाइश करेंगे उसकी लेंथ की, वो सेंटीमीटर में होगी. इसी तरह एक हमने कपड़ा ख़रीदा या कुछ भी इस तरह की कोई कपड़ा वगैरह ख़रीदा, तो उसकी जो लेंथ होगी या उसकी जो हम पैमाइश करेंगे वो मीटर्स में होगी. इसी तरह हम एक अपने घर से किसी दूसरी जगह का फासला जो हम तय करते हैं, उसकी जो मेजरमेंट होगी वो हम किलोमीटर में करेंगे. आगे चलते हैं मास यानी वेट या वज़न. द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट आर किलोग्राम एंड ग्राम. अगर हम किसी चीज़ का वेट करते हैं यानी कि उसका वज़न मालूम करेंगे, तो उसके लिए जो हम मेजरमेंट यूज़ करेंगे वो किलोग्राम होगा या ग्राम होगा. ठीक है, यानी कि एक जो हमारे पास एक भारी भरकम चीज़ है उसकी अगर हम पैमाइश करेंगे, बड़ी चीज़ की पैमाइश करेंगे, तो उसका जो बिगर यूनिट होगा यानी किलोमीटर, उसकी पैमाइश हम किलोमीटर में करेंगे. इसी तरह हम जैसे सब्ज़ियाँ हैं, चावल है, आटा है, इसकी जो मेजरमेंट है वो किलोमीटर में करेंगे. इसी तरह हम छोटी चीज़ों की तरफ चलते हैं. लाइटर चीज़ें हैं जैसे कि स्पाइसेस है, टी पैक्स हैं या पेस्ट्रीज़ है, जो उसकी मेजरमेंट है, ये हमारे पास छोटे यूनिट है. छोटे यूनिट की जो हम पैमाइश है, ये मेजरमेंट है, हमेशा ग्राम में करते हैं. जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जो हमारे पास किसी भी चीज़ की वेट करने की जो मेजरमेंट होती है वो हमारे पास दो तरीके होते हैं, किलोग्राम्स और ग्राम्स. इसी तरह हमने आगे एक ये दो चीज़ ये चीज़ भी क्लियर कर ली कि जो हमारे पास बड़े चीज़ें होती हैं, बड़ी चीज़ें की पैमाइश होती है, वो हम किलोग्राम में करते हैं. और जो छोटी यानी कि लाइटर होती हैं चीज़ें, उसकी जो मेजरमेंट है हम छोटी चीज़ों की मेजरमेंट ग्राम्स में करते हैं. जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया कि हम एक जब हम सेब कर ख़रीदते हैं, तो सेब की जो मेजरमेंट है वो किलोग्राम में करेंगे. इसी तरह से यहाँ पर है कि हम एक स्पाइसेस, या इसी तरह से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पेस्ट्रीज वगैरह की, हमारे पास छोटी चीज़ें यानी कि इनकी जो मेजरमेंट होती है छोटी चीज़ों में की जाती है, तो इसका जो हम मेजरमेंट करेंगे वो ग्राम्स में होगा. आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं. वॉल्यूम या कैपेसिटी, किसी चीज़ की मकदार को मापने का तरीका क्या होता है. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम कैपेसिटी आर लीटर एंड मिलीलीटर. जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि कैपेसिटी की जो मेजरमेंट है दो तरीके से होती है, इसमें एल यानी लीटर
ml यानी मिलीमीटर। दो तरीके होते हैं, लीटर या मिलीलीटर। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास एक बोतल है, बोतल की कैपेसिटी है कि इसके अंदर 800 लीटर पानी आ सकता है, तो हम ये कहेंगे कि जो इसकी पैमाइश है 800 लीटर है। इसी तरह एक बोतल है, मिल्क बोतल है, उसकी जो है कैपेसिटी है कि उसके अंदर 250 मिलीलीटर जो है मिल्क आ सकता है, तो हम इसकी मेजरमेंट को क्या एक्सप्लेन करेंगे कि इस बोतल के अंदर कैपेसिटी 250 मिलीलीटर है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।